नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉक एंड टिप्स में। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हैं इस चैनल पर वीडियो लाए, लगभग 2 महीने हो गए हैं और इस समय मैं थोड़ा सा व्यस्त था और कुछ परेशान भी था और अपनी परेशानी के कारण YouTube पर वीडियो नहीं ला पा रहा था। और एक चीज़ और भी मैंने देखा है कि अगर YouTube पर एक बार काम करना छोड़ दे तो फिर दोबारा आने में यहाँ पर टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लेना पड़ता है। जो यूट्यूबर भाई ये वीडियो देख रहे होंगे इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर कोई वीडियो लाने में 10 से 15 दिन समय लग गया और 10-15 दिन यूट्यूब को छोड़ दिए तो फिर यहाँ वापस बैकअप करने में थोड़ा सा लगता है कि चलो 2 दिन बाद फिर से कोई वीडियो लाते हैं, इस कारण से देर हो गया। तो आप एक नया सेटअप देख रहे होंगे, ये असल में ये एक नया सेटअप नहीं है, ये मेरे घर का हॉल है जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब से मैंने 50mm प्राइम लेंस लिया है और जब मैं अपने पुराने सेटअप पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे ये क्रॉप कर दे रहा है, क्योंकि 50mm लेंस को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, नहीं तो ये क्रॉप कर देता है। और पहले किट लेंस से वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो उसमें इजीली जो है छोटे से रूम में वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा था, लेकिन 50mm लेंस का मैंने एक यही डिमेरिट देखा कि भाई इसका जो लेंस है 50mm पर पहले से ही सेट है, नहीं हम जूम कर सकते, नहीं जूम इन और नहीं जूम आउट कर सकते हैं, इस कारण से इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अभी फिलहाल हॉल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ भी वीडियो आते रहेंगे। अब ये कैसा लग रहा है बैकग्राउंड ब्लर और जो कुछ भी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैंने अपने इस चैनल पर पिछले 2-3 महीने में सिर्फ YouTube टिप से संबंधित ही वीडियो लाए हैं और मैंने देखा कि उस वीडियो पर 100-150-200 के लगभग ही व्यूज़ आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने कम व्यूज क्यों आए, अब चूँकि हो सकता है कि मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत एंड्रॉयड टिप्स और टेक वीडियो से शुरू की थी और बीच में मैंने यूट्यूब टिप्स से संबंधित वीडियो लाने लगा, जिसके कारण हो सकते हैं कम व्यूज आए हो। तो इस कारण से दोस्तों मैंने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है ट्यूब मंत्रा, जिस पर सिर्फ यूट्यूब टिप्स से संबंधित ही वीडियो आएंगे। आपने जिस तरह मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, उस तरह मेरा जो दूसरा चैनल है ट्यूब मंत्रा, उसको भी सपोर्ट करिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरा सेकेंड चैनल जो अभी ट्यूब मंत्रा जो मैंने अभी फ़िलहाल ही क्रिएट किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। तो असल में इस चैनल पर भी वीडियो आते रहेंगे, इस चैनल पर अब से आपको एंड्रॉयड टिप्स और टेक रिलेटेड न्यूज़ टेक्निकल वीडियो आएंगे। और जो मेरा सेकेंड चैनल जो अभी फ़िलहाल क्रिएट किए हैं ट्यूब मंत्रा, चूँकि अभी ये सर्च में नहीं आ रहा, नया चैनल है तो कुछ लोग जुड़ जाएंगे और वीडियो भी एक आध दो आ जाएंगे तो ये सर्च में भी आने लगेगा। तो आप लिंक से या मेरे इस चैनल के जो है फीचर चैनल में जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जो ट्यूब मंत्र चैनल है उस पर सिर्फ जो YouTube टिप से संबंधित ही वीडियो आएंगे, यानी YouTube पर ग्रो कैसे करें, YouTube पर जो है चैनल बनाने से लेकर और चैनल कस्टमाइजेशन, सारी सेटिंग्स आपको उस चैनल पर डिटेल में मिलेंगी और शुरू से मिलेंगी। तो उस चैनल को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं अब से कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू दोनों चैनल पर काम करूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, पहले सिर्फ एक चैनल था। तो अगर मुझे 1 घंटा YouTube पर अगर रोज़ देना है एग्जाम्पल के लिए, तो अब मुझे YouTube पर 2 घंटे रोजाना देना पड़ेगा। वैसे जितने भी यूट्यूबर हैं वो जब तक जगे रहते हैं वो YouTube पर ही YouTube के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जो यूट्यूबर होते हैं उनके दिमाग में दिन भर यूट्यूब भी चलता रहता है, कैसे क्या करें कि चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो करे, दिन भर दिमाग में यूट्यूब चलता रहता है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से YouTube से गायब हो गया था, तो थोड़ा सा जो है वो दिमाग जो स्थिर था, नहीं तो अगर YouTube पर एक बार काम करना शुरू किए तो भाई सोने तक ही चैन मिलेगा, बाकी दिन भर YouTube ही चलता रहे, कैसे क्या करें, कैसे चैनल ग्रो होगा, कभी ईमेल देखिए, कभी YT स्टूडियो देखिए कितना व्यूज है, कुछ क्या हुआ, दिन भर ऐसे ही बीत जाता है। तो यूट्यूब एक नशा है, अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप मेरे सेकेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे इतना ही कहना था, आप अगर इतना तक मुझे देखते आए हैं, मुझे देख लिए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भाई नया क्रिएटर है, नया तो नहीं है, 3 साल लगभग काम करते हो गए, लेकिन YouTube जो है ना वो एक समझ लीजिए कि जुआ कह सकते हैं या आपका लक कह सकते हैं, यहाँ कोई 2 दिन में ही बहुत बड़ा यूट्यूबर बन सकता है, नहीं तो सालों लग जाएंगे।
सो गाइज मैं अब जो है अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूं और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस कारण से बोले जा रहा हूं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।